क्या एक सैलरीड एम्प्लॉई 300 करोड़ रुपए कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। चार्ली आयर्स जूनियर 1999 में एक होम शेफ थे। इनकी किसी दोस्त ने आके बोला, मेरी कंपनी गूगल एक शेफ को हायर करना चाहती है। ये बोले, गूगल क्या होता है? शी सेड, सर्च इंजन है। समझ फिर भी नहीं आया था, बट अप्लाई कर दिया, बट रिप्लाई नहीं आया वहां से। फिर उसी लड़की ने बोला कि एक काम करो, कुछ बढ़िया बना के हमारे ऑफिस भेजो। काफी हफ्तों तक लगातार डिजर्ट्स भेजने के बाद फाइनली इन्होंने गूगल को ज्वाइन किया एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ एंड बन गए एम्प्लॉई नंबर 53। एंड ऐसे ही एक दिन गूगल के फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉन मोटली ने इनसे पूछा, क्या तुमने अभी तक स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज किए हैं? He said, नहीं करने चाहिए क्या? He said, ब्रो, गूगल बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, जितना भी सेविंग्स है इसके स्टॉक ऑप्शंस में लगा दो। फिर ये गए अपने पापा के पास, बोले मुझे $14,000 का लोन दे दो, मुझे गूगल के स्टॉक ऑप्शंस एक्सरसाइज करने हैं 2 सेंट्स पर शेयर के हिसाब से। अब्बा पहले तो बोले कि गूगल स्कैम है, इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए, बट फिर पैसे भी दे दिए क्योंकि अपना ही तो बेटा है। 2006 में जब चार्ली ने गूगल को छोड़ा तो उनकी होल्डिंग की वैल्यू थी $40 मिलियन, यानी 300 करोड़ रुपए। इसे बोलते हैं पावर ऑफ ईसॉप्स। इस पे पूरा वीडियो डिटेल में बन चुका है, लिंक इज इन पिन कमेंट, चेकआउट कर सकते हो।